हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने 11 मंथ्स ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। अलॉन्ग विद दैट आई विल शेयर व्हाट ही ईट्स इन अ डे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, सो कीप ऑन वॉचिंग। मैंने पास्ट में भी अपने बेबी फूड एंड बेबी रूटीन रिलेटेड वीडियो शेयर किए हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस यू वॉन्ट टू चेकआउट। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 6:30-7 o'clock केशव सो के उठता है। वो सो के जस्ट अभी उठ के आया है, मैंने उसका डायपर वगैरह चेंज कर दिया है। नाउ ही इज़ अ हैप्पी बेबी, वो अपने दादू की गोदी में थोड़ी देर खेलेगा, उनके साथ बातें करेगा। इन द मीन टाइम मैं उसकी मील नंबर वन प्रिपेयर करूंगी। मील नंबर वन में उठते के साथ मैं अपने बच्चों को कोकोनट वाटर देना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इंडिया में अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और कोकोनट वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। तो हम लोग इस तरीके के कच्चे नारियल ले आते हैं मार्केट से, सुबह सुबह उठते ही बस नाइफ से इसे मैं खोल लेती हूँ और इसके अंदर बहुत सारा और बहुत अच्छा मीठा मीठा पानी निकलता है और नारियल के अंदर मलाई भी बहुत अच्छी होती है, तो वो मैं खा लेती हूँ, मुझे भी मलाई बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने कोकोनट वाटर निकाल लिया है। मैं केशु को अराउंड हाफ बोल ही दूंगी, रेस्ट जो कोकोनट वाटर है वो मेरा बड़ा बेटा गोविंद पी लेगा। अभी मैं बाहर लेकर आ गई हूँ, लॉन में बिठा के आराम से इसको कोकोनट वाटर दूंगी। और हाँ, पहले मैं इसको सिपी कप के थ्रू देती थी कोकोनट वाटर, बट अब मम्मी ने मुझे बोला कि धीरे धीरे ना इसको ट्रांजिशन करो, कटोरी चम्मच से पिलाने की कोशिश करो, जिससे कि जो होते हैं ना सिपी कप वगैरह में निपल होते हैं तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन होती हैं वो सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके ट्रांजिशन करो कि कटोरी चम्मच से ले, उसके बाद छोटे गिलासी कप वगैरह से देना स्टार्ट करोगी ना तो बच्चे बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर जाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे कटोरी चम्मच से धीरे धीरे करके उसको कोकोनट वाटर पिलाऊंगी। बाहर बैठ के उसको पीना अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे ना मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है, इतनी तेज़ धूप भी नहीं होती, तो बाहर अच्छा लगता है उसको बैठना। और यहाँ पे कोई हाई चेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं आराम से ज़मीन में बिठा के उसको सारी मील्स उसकी खिलाती हूँ। तो यहाँ पे उसने अपना कोकोनट वाटर ले लिया है, उसके बाद वो फिर से अपने दादू के साथ खेलने लग गया है। बच्चे जब से इंडिया आए हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो खूब टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और बच्चों को बहुत आशीर्वाद मिलता है अपने सारे ग्रैंड पेरेंट्स का। और इंडिया आने के बाद ना दोनों बच्चों का एक रूटीन बन गया है, सुबह सुबह जब पापा जी क्लिनिक जाते हैं दोनों बच्चे पापा जी की स्कूटी पे बैठ के पहले घर का एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद पापा जी को क्लिनिक जाने देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अपने दादू की स्कूटी पे बैठ गए हैं राउंड लगाने के लिए, आने के बाद उनके बाकी के काम शुरू होंगे। अब बात करें दूध की, तो केशव अब 11 मंथ्स का हो गया है तो मैंने कम्प्लीटली उसको घर के दूध पे ट्रांजिशन कर लिया है। हमारे घर पे ये अमूल गोल्ड मिल्क आता है, हम इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के इसे बॉईल करके अपने फ्रिज में रखते हैं, और जब भी मुझे केशु को सर्व करना होता है ना तो एक पैन में डाल के मैं इसको हल्का सा ल्यूक वॉर्म करके उसे सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अराउंड हाफ बोल दूध ल्यूक वॉर्म कर लिया है, एक बोल में ट्रांसफर करके इसमें मैं डालूंगी 2 पार्ले जी के बिस्किट्स, कभी कभी मैं मैरी गोल्ड बिस्किट्स उसको खिलाती हूँ, कभी कभी सूजी रस्क भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ब्रिटानिया वाले, तो वो भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे बस 2 बिस्किट और दूध मैं उसको दूंगी ब्रेकफास्ट में, और अगेन मैं बोल से स्पून के थ्रू उसको सर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो आराम से बैठ के खा लेता है, उसको ये ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा पसंद आता है। और भी बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पोहा, इडली, उपमा, सबकी रेसिपीज़ मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो यहाँ पे केशु के हाथ में मैंने एक टॉय दिया है जिससे कि वो आराम से बैठे और अपना ब्रेकफास्ट करे, क्योंकि वो भागा जा रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैंने उसको यहाँ पे शावर करा दिया है, और हाँ, शावर कराते वक्त ना मैंने उसकी पूरी बॉडी पे अच्छे से कच्चे दूध से मसाज कर दी थी, जिससे कि उसकी पूरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, सॉफ्ट एंड सपल मेंटेन रहे। अब बस मैं उसको ड्रेसअप करूँगी, और ड्रेसअप करते वक्त मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ कि ना लाइट से कॉटन के कपड़े बच्चों को पहनाऊं, क्योंकि बच्चों को ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है, और अगर हैवी हैवी कपड़े पहना दो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने कार्टर्स ब्रांड के यूएसए ही परचेज किए थे, और मैं यहाँ पे यही कॉटनिश मटेरियल के कपड़े अपने बच्चों को पहनाती हूँ। नाउ शेयरिंग द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मैंने अपने बच्चों के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूएसए ही कैरी किए थे,
उनका शावर जेल भी मैं लेकर आई थी जो ऑनेस्ट का मैं यूज करती हूँ, बट वो अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद मैंने जॉनसन्स बेबी का और मामा अर्थ का ट्राई किया, दोनों ही मेरे बेबीज की स्किन को सूट कर गए, कोई भी इरिटेशन या रैशेज वगैरह नहीं हुई। और उनका जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लोशन है, वो सब मैं वही यूज कर रही हूँ जो मैं यूएस में यूज करती थी। और यहाँ पे आने के बाद ना बच्चों को मस्कीटो बाइट बहुत ज्यादा हुई है, तो मैंने गुड नाइट का फैब्रिक रोल ऑन यूज किया है और मामा अर्थ का फैब्रिक रोल ऑन यूज किया है, दोनों वर्क्स फाइन फॉर माई बेबीज। सो अभी मेरे पास गुड नाइट वाला है, मैं सुबह शाम बच्चों को लगा देती हूँ और फिर मस्कीटोज उनको नहीं काटते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डाइपर्स, मैंने यूएस से काफी सारे डाइपर्स कैरी किए थे, अराउंड 1 month मेरे यूएस के डाइपर्स ही चल गए थे। यहाँ आने के बाद जब डाइपर्स खत्म हुए तो मैंने ये पैम्पर्स के एक्टिव बेबी डाइपर्स लिए। मुझे ये स्नैप स्टाइल डाइपर्स ही पसंद आते हैं यहाँ पे, हालांकि दीदी और भाभी मेरी पैंट स्टाइल डाइपर्स यूज करना प्रेफर करती है अपने बच्चों के लिए, बट मुझे इस टाइप के स्नैप डाइपर्स पसंद आते हैं। तो मैंने ये पैम्पर्स के एक्टिव बेबी डाइपर्स ट्राई किए और इनसे भी मेरे बेबी को कोई भी रैशेज या इरिटेशन वगैरह नहीं हुई। तो बस अभी शावर वगैरह लेने के बाद अराउंड 10:30 वो सो जाता है, और सोने से पहले मैं उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड करके सुलाती हूँ। अब वो अराउंड 1.5 to 2 hours की नैप लेगा, वो उठता है अराउंड 12:15 पे, और तब होता है उसका फ्रूट प्योरे का टाइम। तो आज फ्रूट प्योरे में है पपाया प्योरे, और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, मैंने थोड़ी सी चंकी रखी है प्योरे, क्योंकि अब वो 11 months का हो गया है, उसके 7 teeth हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसका फूड का टेक्सचर चेंज कर दिया है। एंड विद द ग्रोइंग एज आपको बच्चों के टेक्सचर चेंज करने रहते हैं फूड के, जिससे कि वो हर फूड को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो एकदम प्योरे बना के देते हैं, जैसे जैसे बच्चों के दांत आने लगते हैं, वो च्यू करना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा चंकी टेक्सचर भी चल जाता है। एंड यू कैन गो रियली क्रिएटिव वाइल फीडिंग योर बेबीज। आप अभी तो सीजन है मैंगोज का, आप मैंगोज खिला सकते हो प्योरे करके अपने बच्चों को, मैंगो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, केशु का रादर फेवरेट फ्रूट बन गया है मैंगो प्योरे, तो उसको बहुत पसंद आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द लंच, लंच मैं उसको देती हूँ अराउंड 1:15 के, और आज मम्मी ने दाल चावल बनाए थे, तो बस मैंने दाल चावल एक बोल में ले लिए हैं, थोड़ा सा ऊपर से घी ड्रिजल कर लिया है, और ये ककड़ी का रायता बना है। ककड़ी को अच्छे से प्योरे कर लिया था और दही में मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल ना मात्र का मैंने सॉल्ट ऐड किया था, और बस अब मैं इसको खिलाऊंगी। और उसको ये दाल चावल और रायता काफ़ी अच्छा लगता है खाना, जैसा कि आप देख रहे हैं दाल चावल का टेक्सचर भी थोड़ा सा चंकी था, तो अब वो ना च्यू कर लेता है इस टाइप का चंकी फूड। और जैसे जैसे आप चंकी फूड इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो हर टाइप का फूड खाना सीख जाएंगे। और सिंस यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि टाइम टू टाइम उसको बॉटल से या कटोरी चम्मच से पानी भी पिलाती रहूँ, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहे। और ना फैमिली के साथ रहने में ये बड़ा फायदा होता है कि किसी के हाथ में कुछ होता है, किसी के हाथ में कुछ होता है, सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा फीड करते हैं ना, तो बच्चे हर चीज़ खाना सीख जाते हैं। अभी मम्मी उसको खीरा खाना सिखा रही है, तो उसके मुंह में खीरा डाल दिया, थोड़ा सा उसने अपने दांतों से कट करके खीरा खाया। और अब जैसे केशव बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, उसको बाहर घूमने का काफ़ी ज़्यादा पता चल गया है। जैसे ही हमारी हाउस हेल्प आती है ना, उसकी गोदी में वो चढ़ जाता है कि मुझे घुमा के लाओ। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, अराउंड 4 o'clock हुआ है, दीदी उसको पूरा एक राउंड लगवा के लाती है, वो बहुत हैप्पी फील करता है, उसके बाद घर आता है। तो बस घर आने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा पानी दिया, ब्रेस्ट फीड किया अगेन, और अब उसका अगेन नैप टाइम हो गया है। अराउंड 4:30 वो सोता है, 30 minutes to 45 minutes की ये शॉर्ट सी नैप लेता है। उसका स्लीपिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो पूरे दिन में अराउंड 2.5 hours वो सोता है। केशु की कुछ नटखट अदाएं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी शाम का टाइम है, अराउंड 6 o'clock हुआ है। इस टाइम पे ना वेदर फिर से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो हम लोग लॉन में आ गए हैं अपने, और वॉकर से प्रैक्टिस कर रहा है केशु चलने की, गोविंद भी उसके साथ खेल रहा है, मम्मी भी थी। काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली के साथ, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद उसका स्ट्रॉलर है, तो स्ट्रॉलर में बिठा के हम लोग थोड़ा राउंड करा देते हैं उसको, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसको बाहर निकलना। तो वैसे ही उसको बहुत पसंद आने लगा है, उसको पता चल गया है कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, तो वो बहुत खुश फील करता है। तो अब हम वापस घर आ गए हैं और दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है उसकी काफ़ी ज़्यादा हरकतें बढ़ गई हैं, नॉटी हो गया है वो।
और अब बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में अराउंड 7 o'clock उसको सर्व करती हूँ। मम्मी ने सूप बनाया था, टमेटो सूप। उसके अंदर थोड़ा से चंक्स भी ऐड किए थे पनीर के, बट उसने सूप नहीं पिया बहुत मन से। तो मम्मी ने यहाँ पे उसके लिए आलू का पराठा बना दिया है। तो छोटा सा पराठा मैंने जस्ट क्वार्टर पीस लिया है पराठे का, दही के साथ में छोटी छोटी बाइट्स उसको ना जैसे मोर मोर के खिलाने की कोशिश करूंगी। और दोनों बच्चों को मैं साथ में बिठाती हूँ, जिससे कि ना जब छोटा बच्चा बड़े अपने भाई या बहन को देखता है ना, तो वो जल्दी खाना सीखता है। तो ये मम्मी ने बोला कि जब दोनों बच्चों को साथ में फीड करोगी ना, तो दोनों जल्दी जल्दी खा लेंगे और दोनों सीख जाएंगे खाना खाना। तो मैं एक ही प्लेट में दोनों भाइयों का खाना डाल के ले आती हूँ, तो आराम से बिठा के मैं उसको आलू का पराठा खिला रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी बाइट्स जब आप दही में डाल के मोर के खिलाएंगे ना, तो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पनीर का पराठा भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो डिनर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर अपने मंदिर में। हम लोगों के यहाँ शाम की आरती होती है, तो पूरी फैमिली बैठ के हम लोग आरती करते हैं। तो वो भी अपने दादू के साथ आरती करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और दोनों बच्चे काफ़ी अपने दादू दादी के साथ घुल मिल गए हैं, काफ़ी प्यार से रहते हैं। तो यहाँ पे बस आरती करने के बाद उनका सोने का टाइम हो जाता है। तो बस अब मंदिर से मैं उसको वॉक करा के लेके जा रही हूँ बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 8:30 का। यहाँ पे ना हमारा घर का काम जल्दी वाइंड अप हो जाता है। 8:30 हम लोग आ गए हैं अपने बेडरूम में। अब मैं दोनों बच्चों को सुलाऊंगी। केशव का ऐसा ही रहता है पूरे दिन का रूटीन। लास्ट ऑफ द लास्ट मील मैं उसकी बॉटल में दूध लेके आई हूँ, अराउंड 4.5 ounce। कभी कभी ये पीता है, कभी कभी नहीं पीता है, बिकॉज मेरा ब्रेस्ट मिल्क से ही सफाइज हो जाता है इसका। बट अगर पीता है तो मैं इसको ये दूंगी, ल्यूक वॉर्म करके लाई हूँ। और अब मैंने कम्प्लीटली इसको स्विच कर लिया है, जो हमारे घर में नॉर्मल दूध आता है उस पर। फॉर्मूला मिल्क ऑलमोस्ट बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अराउंड 10.5-11 months तक आप स्विच कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके मैंने स्विच किया था। जैसे स्टार्टिंग में मैं जस्ट 2 ounce या 1 ounce ही देती थी इसको ये वाला मिल्क। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके क्वांटिटी इंक्रीज की और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, लाइक 1 week के ड्यूरेशन में। तो ये था। और हाँ, यहाँ पे मैं इसकी कोई मसाज नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मुझे लगता है कि ऑयल से जब आप मसाज करते हो ना, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है, जिसकी वजह से कभी कभी ना इतनी गर्मी में दाने वगैरह हो सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन व्लीन करके इसके कपड़े चेंज कर दिए। यहाँ पर मैं 3 से 4 बार कपड़े चेंज करती हूँ पूरे दिन में। और क्रीम लगा दी है, बॉडी लोशन, फेस पे क्रीम वगैरह लगा दी है। बस अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी और ही विल गो टू बेड। अराउंड 9 o'clock ये सो जाता है, और सुबह फिर वही 6:30-7 o'clock उठता है। तो ये था हमारा रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना सारे क्विक अपडेट्स के लिए। मैं आपको मिलती हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैप्पी पेरेंटिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।